Hello students and welcome to YouTube channel of 40 Plus Academy. This is Aarti Mishra and I am going to start with course of Advanced Java of MSBT Diploma Semester 5 of Computer and IT Branch. Advanced Java Programming में जो सबसे first chapter आज हम start करने वाले हैं वो है AWT Abstract Windowing Toolkit. AWT start करने से पहले मैं आपको ये GUI के बारे में थोड़ा सा introduction देना चाहूँगी. GUI क्या होता है? GUI stands for Graphical User Interface. Graphical User Interface से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि User Interface क्या होता है. User Interface का मतलब हमारा और कंप्यूटर के बीच में जो भी इंटरेक्शन होगा उसका एक बीच का मीडियम, लाइक हमारा और कंप्यूटर का इंटरेक्शन कराने के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा यूज़र इंटरफेस होता है. जैसे कि आप इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि जब आप अपना कंप्यूटर या लैपटॉप ऑन करते हो तो जो स्क्रीन आपके सामने ओपन होती, जो स्क्रीन आपके सामने दिखाई देता है उसमें आपको कहीं स्टार्ट बटन दिखेगा, कहीं आइकन्स दिखाई देते हैं, जो भी चीज़ें आपको ग्राफिकल इमेजेस जो भी दिखाई देता है वही क्या है, हमारा GUI है. GUI की हेल्प से नॉर्मल यूजर्स के लिए भी कंप्यूटर यूज़ करना बहुत ही ईजी हो जाता है. GUI बेस्ड एप्लीकेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है. अगर आप GUI बेस्ड एप्लीकेशन पे काम करते हो तो GUI को देखकर उसे समझना, उसे कैसे एक्सेस करना है वो इजी हो जाता है. इसका एग्जांपल मैं बोल सकती हूँ, ये हमारा कैलकुलेटर. जब आप अपने कंप्यूटर में कैलकुलेटर ओपन करते हो तो आपको एक छोटा सा विंडो ओपन होते हुए दिखाई देता है जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या है, बटन दिखाई दे रहे हैं, टेक्स्ट एरिया दिखाई दे रहा है, टेक्स्ट फील्ड दिखाई दे रहा है, मेन्यू बार दिखाई दे रहा है, टाइटल बार दिखाई दे रहा है, क्लोजिंग बटन दिखाई दे रहा है, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का बटन दिखाई दे रहा है. तो इससे क्या हो गया, अगर हमें कैलकुलेशन करना है तो हम इसमें से कोई भी बटन पे क्लिक करके, यहाँ पे हम किसी भी बटन पे जाकर क्लिक करके उसे प्लस या माइनस जो भी हमें करना होगा वो इजीली कर सकते हैं. अगर आपको याद होगा गाइस कि ये हमारा GUI एप्लीकेशन है, GUI बेस्ड एप्लीकेशन है. इससे पहले कोर जावा में जब हम प्रोग्रामिंग करते थे तो कोर जावा में भी हम कैलकुलेटर बनाते थे, बट उस कैलकुलेटर को जब हम रन करते हैं कंसोल पे जाकर रन करते हैं, कंसोल पे जब हम रन करते हैं तो उसमें जो भी आउटपुट आता है रन होने के बाद वो टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है. लाइक उसमें रहता है इंटर टू नंबर्स, तो हम एंटर करते हैं 1, 5, उसके बाद हमें ऑप्शन आता है एड, सब्ट्रैक्ट, थर्ड, डिवाइड, मल्टीप्लाई, जिसमें से हम अगर हमें टू इंटीजर्स देने के बाद अगर हमें ऐड करना है तो हमें वापस से उसे इनपुट देना पड़ता है यहाँ पे 1, तो वो उसे समझ में आता है कि हमें क्या करना है, ऐड करना है. उसके बाद वो जो भी हमने दो इंटीजर पास किया यहाँ पे 1 और 5 को, उसका एडिशन वो 6 रिटर्न करेगा. तो इतना सब करना, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन में हमें इतना सब करना पड़ता है, जो भी हमारा इनपुट होगा या जो भी हमारा आउटपुट होगा वो सारा इनपुट आउटपुट टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा. उससे बेटर ये है कि हम GUI बेस्ड एप्लीकेशन बनाएं. GUI बेस्ड एप्लीकेशन हर कोई यूज़ कर सकता है. तो जो कोर जावा में हमने जो भी प्रोग्रामिंग के थ्रू हम कैलकुलेटर बनाते हैं, जो भी कंसोल पे रन होता है उसे हम बोलते हैं कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन. पर एडवांस जावा में हम जो भी एप्लीकेशन बनाएंगे वो GUI बेस्ड एप्लीकेशन बनाएंगे, जो सब सारे यूजर्स के लिए इजी होगा यूज करने के लिए. तो GUI बेस्ड एप्लीकेशन बनाने के लिए 2 APIs हैं. जावा ने 2 API प्रोवाइड किया है, पहला AWT और दूसरा स्विंग. ये दोनों API की मदद से हम GUI बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं AWT के बारे में. AWT जावा के अंदर जो AWT API है उसके अंदर 12 packages है टोटल, जिसमें से हम 2 ही packages यूज़ करते हैं. पहला जावा AWT एंड java.awt एंड java.awt.event. यही 2 packages का यूज़ करके हम जो भी GUI बेस्ड एप्लीकेशन हमें बनाना है हम वो बनाएंगे. आगे बढ़ते हैं, AWT का इंट्रोडक्शन देखते हैं. AWT इज एन API, यहाँ पे आप देख सकते हो AWT इज एन API टू डेवलप GUI और विंडो बेस्ड एप्लीकेशन. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपको GUI बेस्ड एप्लीकेशन बनाना है तो आप AWT API का यूज करके GUI बेस्ड एप्लीकेशन इजीली जावा प्रोग्रामिंग में बना सकते हैं. सेकेंड पॉइंट पे देखते हैं,
ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज बिल्ड ऑफ ग्राफिकल एलिमेंट्स कॉल्ड कंपोनेंट्स। आपने पीछे पीछे एक जीयूआई बेस्ड कैलकुलेटर देखा था, यहाँ पर आपने देखा था कि कुछ कंपोनेंट्स है, लाइक ये हमारा बटन हो गया, ये हमारा टेक्स्ट एरिया हो गया जहाँ पर हम कुछ लिख सकते हैं, ये हमारा मेन्यू बार हो गया, ये हमारा टाइटल बार हो गया, ये हमारा टाइटल बार हो गया, यहाँ पे एक छोटा सा इमेज भी हमें दिखाई दे रहा है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोजिंग बटन, ये सारे जो भी हमारे जीयूआई बेस्ड एप्लीकेशन कैलकुलेटर में दिख रहा है, यही कुछ नहीं, यही हमारा कंपोनेंट है। तो जीयूआई बेस्ड एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें जिस कुछ कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है, ग्राफिकल कंपोनेंट्स की, वही क्या है, बटन्स, स्क्रोल बार एंड टेक्स्ट फील्ड्स, ये सारे कंपोनेंट्स यूज करना पड़ता है जीयूआई बेस्ड एप्लीकेशन बनाने के लिए। थर्ड पॉइंट आप देख सकते हो, जावा AWT कंपोनेंट्स आर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट दैट कंपोनेंट्स आर डिस्प्लेड अकॉर्डिंग टू द व्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जावा AWT कंपोनेंट्स का यूज करके आप जो भी फ्रेम बनाते हो, जैसा कि कैलकुलेटर आपने देखा पिछले एग्जाम्पल में, तो वो कैलकुलेटर, अगर उस कैलकुलेटर का प्रोग्राम अगर मैं अपने कंप्यूटर में, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करूंगी, तो वो मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग आउटपुट देगा, और वही प्रोग्राम अगर आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करोगे तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग वो आउटपुट मिलेगी। तो ज़रूरी नहीं है जो फ्रेम मेरे अंदर इस तरह दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इस तरह कैलकुलेटर दिखाई दे रहा है, वही सेम आपके कंप्यूटर में दिखेगा, हो सकता है फ्रेम बदल जाए बट कैलकुलेटर यही रहेगा। तो इसीलिए बोला है कि AWT का जो कंपोनेंट है वो सारे कंपोनेंट प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, मतलब अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे अलग अलग व्यू आपको देखने को मिलेगा। इन जावा GUI कैन बी डिजाइंड यूजिंग सम प्रीडिफाइंड क्लासेस, ऑल दिस क्लासेस आर डिफाइंड इन जावा AWT पैकेज। GUI डिजाइन करने के लिए जो भी क्लासेस अगर हमें यूज करना है वो सारा हमें मिलेगा java.awt पैकेज के अंदर। जो भी GUI डिजाइन करने के लिए हमें जो भी चाहिए वो सब हमें कौन से पैकेज में मिलेगा, java.awt पैकेज के अंदर। अब आगे बात करते हैं जावा हायरार्की की, जावा AWT हायरार्की की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको सबसे ऊपर जो पेरेंट क्लास दिखाई दे रहा है, सबसे ऊपर जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो क्या है, ऑब्जेक्ट क्लास। सबसे पेरेंट क्लास जो है AWT के अंदर वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद यही ऑब्जेक्ट को इनहेरिट किसने किया है, कंपोनेंट क्लास ने, क्योंकि GUI बेस्ड एप्लीकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, कंपोनेंट, और इन्हीं कंपोनेंट की हेल्प से हम GUI बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो अगर यहाँ देख सकते हैं कि कंपोनेंट्स में हमें दिखाई दे रहा है सबसे फर्स्ट बटन, लेबल, चेकबॉक्स, चॉइसेस, लिस्ट। अगर आप देखेंगे तो हर एप्लीकेशन में यही सारी चीज़ें यूज करनी पड़ती हैं। हमें एप्लीकेशन बनाने के लिए बटन क्लिक करना होता है, कुछ लेबल्स डालने होते हैं, चेकबॉक्स इंपॉर्टेंट है, चॉइसेस हमें चाहिए होते हैं एप्लीकेशन में, कुछ लिस्ट हमें देखने को मिलता है। तो ये सारे कंपोनेंट जो है वो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट है। और यहाँ पर अगर आप देख सकते हो लास्ट वन कंटेनर। अब कंटेनर क्या होता है, कंटेनर इन सारे कंपोनेंट्स को कंटेन कर सकता है अपने अंदर। जैसा कि आप वापस मैं कैलकुलेटर में आपको लेकर जाती हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी, एक सेकंड में रफ करती हूँ उसको, यहाँ पर जो भी कंपोनेंट है, ये जो फ्रेम आपको दिखाई दे रहा है विंडो, छोटा सा विंडो, यही कुछ नहीं, यही हमारा कंटेनर है। कंटेनर इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अपने अंदर कुछ कंपोनेंट्स को होल्ड करता है। जैसे कि आप देख सकते हो बहुत सारे बटन्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ पर सारे बटन्स, यहाँ पे आपको टेक्स्ट फील्ड दिखाई दे रहा है, मेन्यू बार दिखाई दे रहा है, यहाँ पे टाइटल बार दिखाई दे रहा है, और जो भी कंपोनेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब किसने होल्ड किया है, कंटेनर ने होल्ड किया है। कौन से टाइप के, एक अपने फ्रेम के अंदर। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो हायरार्की है इसके अंदर यही बोला गया है कि ये सारे कंपोनेंट्स, बटन, लेबल, चेकबॉक्स, चॉइस, लिस्ट, ये सारे कंपोनेंट को कौन होल्ड कर सकता है, कंटेनर होल्ड कर सकता है। कंटेनर के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे दिखाई दे रहा है विंडो और पैनल, ये दो मैं आपको बताती हूँ विंडो क्या होता है। जब आप देखते हो, अगर आपने देखा होगा कैलकुलेटर में, तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे क्लोजिंग बटन दिखा होगा, यहाँ पे मैक्सिमाइज और मिनिमाइज,
ये तीन चीजें दिखी होगी, ये जो आपको, ये जो विंडो आपको दिखा, ये छोटा सा विंडो जिसमें आपको क्लोजिंग बटन मिनिमाइज मैक्सिमाइज नजर आ रहा है, वही विंडो क्या है बोल सकते हैं हम, फ्रेम है हमारा, और एक आपने देखा फ्रेम, फ्रेम है जिसके अंदर हम कोई भी कंपोनेंट डाल सकते हैं, जो बटन, टेक्स्ट फील्ड, मेन्यू बार, टाइटल बार, जो भी हमें चाहिए। अभी आगे बात करते हैं डायलॉग बॉक्स क्या होता है। तो फ्रेम समझा आपको कि ये जो कैलकुलेटर में आपने देखा था, ये जो आपको दिखाई दे रहा था, क्लोजिंग बटन, मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन, यही कुछ नहीं, ये जो फ्रेम ओपन हुआ यही हमारा फ्रेम है, जो सारे और फ्रेम को ही कंटेनर बोलते हैं, और उस कंटेनर फ्रेम के अंदर हम सारे कंपोनेंट्स को ऐड कर सकते हैं, लाइक बटन, लेबल, चेकबॉक्स, चॉइस लिस्ट, कंटेनर, जो भी चाहिए हम सब उसमें, उस कंटेनर में, फ्रेम कंटेनर में ऐड कर सकते हैं। तो डायलॉग बॉक्स आपने देखा होगा कि कभी कभी पॉपअप मैसेजेस आते हैं, डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको सिर्फ क्लोजिंग बटन दिखाई देगा, जिसमें कुछ लेबल होगा, कुछ मैसेज होगा और सिर्फ एक क्लोजिंग बटन होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायलॉग बॉक्स, सिर्फ मैसेज के लिए। और फ्रेम क्या होता है, जिसमें मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और हाँ, ये तीन बटन्स आपको दिखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं पैनल के ऊपर। पैनल क्या होता है, ये हमारा फ्रेम है, ये हमारा फ्रेम है, यहाँ पे वो तीन बटन है, क्लोजिंग, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। इसके अंदर अगर मुझे कुछ स्पेस चाहिए तो मैं एक स्पेस बना सकती हूँ, और उस स्पेस में अगर मुझे सेक्शन चाहिए या फिर कुछ बटन्स ऐड करने हैं, तो उस बटन्स और सेक्शंस को ऐड करने के लिए मैं, मुझे क्या चाहिए, स्पेस की ज़रूरत है, तो मैं उसे ही हम बोलते हैं पैनल। जैसा कि मैं आपको दिखाती हूँ कैलकुलेटर वाले एग्जाम्पल में, आप यहाँ देख सकते हो, मैं इसको रफ कर देती हूँ। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा मेन्यू बार के नीचे, ये जो ग्रे कलर का आउटलाइन आपको दिखाई दे रहा है नीचे तक, ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये कुछ नहीं, यही हमारा पैनल है। अब पैनल इसको क्यों बोलेंगे, कंटेनर के अंदर ये एक पैनल है, कंटेनर के ऊपर पेस्ट किया हुआ है, उसमें पैनल के ऊपर ये टेक्स्ट फील्ड, ये टेक्स्ट फील्ड कंपोनेंट ऐड किया है हमने, और ये बटन्स ऐड किए हैं पैनल के ऊपर। तो पैनल क्या होता है, जिसके ऊपर हम सारे टेक्स्ट फील्ड और टेक्स्ट बॉक्सेस को ऐड कर सकते हैं अपनी तरीके से। एंड एप्लेट के बारे में हम आगे के सेशंस में देखने वाले हैं, तो आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये हायरार्की समझी होगी। आगे हाँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कंपोनेंट, कंटेनर, विंडो, फ्रेम एंड पैनल्स के बारे में। तो फर्स्ट वन क्या है हमारा, कंपोनेंट। आप समझ ही गए होंगे कि कंपोनेंट क्या होता है, जो भी बटन, चेकबॉक्स, लिस्ट आप देख सकते हो, वही हमारा क्या है, कंपोनेंट, जो जीयूआई बेस्ड एप्लीकेशन बनाने के लिए हेल्पफुल है। तो इसको रीड कर लेते हैं। कंपोनेंट इज एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन एंड दैट कैन इंटरैक्ट विद द यूजर, सच एज बटन्स, चेकबॉक्स, लिस्ट एंड स्क्रोल बार्स ऑफ अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट वन कंटेनर। अब कंटेनर क्या होता है, मैंने आपको अभी जस्ट बताया, कंटेनर, द कंटेनर इज एन कंपोनेंट इन AWT दैट कैन कंटेन अनदर कंपोनेंट लाइक बटन, टेक्स्ट फील्ड्स, लेबल्स एक्सेट्रा। कंटेनर अपने अंदर जो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट थे, हमारा बटन, हमारा चेकबॉक्स, लिस्ट, ये सारे को अपने अंदर होल्ड करके रख सकता है, उसे हम कंटेनर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। द क्लासेस दैट एक्सटेंड्स कंटेनर आर नोन एज कंटेनर, सच एज फ्रेम, डायलॉग एंड पैनल। फ्रेम, डायलॉग एंड पैनल, इन्हें हम कंटेनर की तरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेम के अंदर बहुत सारे जो भी हमें चाहिए, बटन्स चाहिए या टेक्स्ट बॉक्स चाहिए या हमारे हिसाब से हमें जो भी कंपोनेंट चाहिए, वो हम कंटेनर के अंदर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है विंडो के पास। विंडो क्या है, द विंडो इज एन कंटेनर, इज अ कंटेनर दैट हैव नो बॉर्डर्स एंड मेन्यू बार्स, नो बॉर्डर्स एंड मेन्यू बार्स। यू मस्ट यूज फ्रेम, डायलॉग और अनदर विंडो फॉर क्रिएटिंग अ विंडो। अगर आपको विंडो, कुछ विंडो बनाना है अपने एप्लीकेशन में, तो आपको विंडो बनाने के लिए या तो फ्रेम यूज करना पड़ेगा या तो डायलॉग बॉक्स यूज करना पड़ेगा, तो ही आप एक छोटा विंडो बना सकते हो एप्लीकेशन के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, पैनल। द पैनल इज द कंटेनर दैट डजंट कंटेन टाइटल बार एंड मेन्यू बार्स, इट कैन हैव अदर कंपोनेंट्स लाइक बटन, टेक्स्ट फील्ड एक्सेट्रा। जैसा मैंने आपको बताया कि ये मेरा एक फ्रेम है, ये मेरा एक फ्रेम है, उस फ्रेम के अंदर, उस फ्रेम के अंदर, सॉरी,
ये मेरा एक फ्रेम है, यहाँ पे ये तीन बटन है, फ्रेम के अंदर ये तीन बटन कंपलसरी होता है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोजिंग बटन। अब इस फ्रेम के अंदर अगर मुझे कुछ अलग से स्पेस चाहिए जिसमें मैं अपने हिसाब से दो बटन, टेक्स्ट फील्ड या बटन वन, बटन टू, इस तरह से कुछ बनाना चाहती हूँ, तो जो स्पेस मुझे चाहिए ये यही क्या है, मेरा पैनल जो मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है यहाँ पर। और उस पैनल के ऊपर मैंने दो कंपोनेंट और यू ऐड किए हुए हैं, टेक्स्ट फील्ड एंड बटन्स। ओके, आई होप आपको समझा होगा। आगे बढ़ते हैं, फ्रेम क्या होता है। फ्रेम आपको मैं बार बार बता चुकी हूँ, यहाँ पे आप एक बार रीड कर लो। द फ्रेम इज द कंटेनर दैट कंटेन्स टाइटल बार एंड कैन हैव मेन्यू बार्स, इट कैन हैव अदर कंपोनेंट्स लाइक बटन, टेक्स्ट फील्ड एक्सेट्रा। फ्रेम के अंदर हम कोई भी कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं, ये कंटेनर होता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ यूजफुल मेथड्स हैं जो हमें हर कंपोनेंट को ऐड करने के लिए ध्यान में रखना होगा जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे, तो ये मेथड्स याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट मेथड जो है, आप कोई भी कंपोनेंट, अगर आपको कुछ भी एप्लीकेशन बनाना है, आपको कोई भी फ्रेम के अंदर आपको अगर कोई भी कंपोनेंट ऐड करना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, ये मेथड चाहिए। अगर आपको सपोज यहाँ पे बटन ऐड करना है, तो उस बटन को ऐड करने के लिए आपको इस फ्रेम के अंदर, इस बटन को ऐड करने के लिए आपको ऐड मेथड को कॉल करना पड़ेगा, तभी आप वो बटन को ऐड कर सकते हैं। आगे मैंने प्रोग्रामिंग में आप अच्छे से बताया हुआ है। अगर कोई कंपोनेंट ऐड करना है तो हम ऐड मेथड को कॉल करेंगे, फिर इस बटन की साइज कितनी होगी, हाइट वेट कितनी होगी, उसके लिए हमें सेट साइज मेथड को कॉल करना पड़ेगा। जो भी कंपोनेंट हम ऐड कर रहे हैं उसका साइज क्या होना चाहिए, उसके लिए सेट साइज मेथड हमें कॉल करना है। आगे नेक्स्ट मेथड कौन सा है, सेट लेआउट। अभी फिलहाल हम लेआउट मैनेजर नहीं यूज़ करने वाले हैं, बट फिर भी हमें उस बटन के अंदर जो भी लेआउट है, कैसा लेआउट चाहिए उसका, वो यूज़ करने के लिए हमें ये मेथड को कॉल करना पड़ेगा, सेट लेआउट मेथड को। आगे जो भी हम कंपोनेंट ऐड कर रहे हैं, इस कंपोनेंट को विजिबल कराने के लिए हमें ये इंपॉर्टेंट मेथड हमेशा अपने प्रोग्राम में लिखना है, सेट विजिबल। ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, जिसे हमें यहाँ पे स्टेटस में ट्रू करना पड़ेगा। आगे मैंने प्रोग्रामिंग में इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आगे बढ़ते हैं। जावा AWT में GUI बेस्ड एप्लीकेशन बनाने के लिए हम दो कंटेनर ही यूज करते हैं मेन। तो सबसे पहले हम लोग फ्रेम क्लास का यूज करके हम सीखेंगे कि कैसे एक कोई कंपोनेंट को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, टू क्रिएट सिंपल AWT एग्जाम्पल यू नीड अ फ्रेम, देयर आर टू वेज टू क्रिएट अ फ्रेम इन AWT। यहाँ पे दो तरीके हैं फ्रेम्स को बनाने के लिए, पहला बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ फ्रेम क्लास एंड दूसरा बाय एक्सटेंडिंग फ्रेम क्लास। जावा के अंदर हम प्रोग्राम के अंदर या तो हम फ्रेम क्लास का ऑब्जेक्ट बना के न्यू कीवर्ड के थ्रू इंस्टेंशिएट करेंगे, या फिर हम फ्रेम क्लास को एक्सटेंड करेंगे। ये दोनों मेथड के हिसाब से मैंने AWT का एग्जाम्पल आगे बताया है। तो सबसे फर्स्ट वाला हम एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। तो पहला एग्जाम्पल क्या था कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है किसका, फ्रेम क्लास का। लेट्स सी एग्जाम्पल ऑफ AWT वेयर वी आर क्रिएटिंग इंस्टेंस ऑफ फ्रेम क्लास। हियर वी आर शोइंग बटन कंपोनेंट ऑन द फ्रेम। अभी हम लोग एक ऐसा फ्रेम बनाने वाले हैं जिसके अंदर हम बटन कंपोनेंट ऐड करेंगे। अब हम कोडिंग पे आ जाते हैं। जावा में कोडिंग करते वक्त आपने देखा होगा कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट क्या करना पड़ता है, पैकेज के लिए भी। पहले भी आपने java.util पैकेज इंपोर्ट किया रहेगा कोर जावा का प्रोग्रामिंग करते वक्त। यहाँ पे हमें कौन सा पैकेज इंपोर्ट करना है, java.awt पैकेज को एंड .*, मतलब AWT के अंदर सारे पैकेजेस को हमने इंपोर्ट कर लिया, सारे क्लासेस को हमने इंपोर्ट कर लिया। AWT पैकेज के अंदर के सारे क्लासेस को हमने यहाँ पे अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कर लिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करने के बाद क्लास बनाते हैं क्लास कीवर्ड के थ्रू। मैंने क्लास बना लिया, फर्स्ट क्लास का नाम है मेरा क्लास का नाम है फर्स्ट AWT।
यहाँ पे इस क्लास के अंदर मैंने एक कंस्ट्रक्टर लिया है, फर्स्ट AWT नाम का कंस्ट्रक्टर, और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी मेथड्स मुझे कॉल करने हैं मैंने उस कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल किए हुए हैं। जो भी अगर आपको पता होगा कि अगर हम अपने प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर का के साथ हमें किसी भी मेथड को कॉल नहीं करना पड़ता है मेन फंक्शन में, हम डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद वो अपने आप सारे फंक्शंस को कॉल कर लेता है, ये कंस्ट्रक्टर की खासियत है। इसीलिए हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर यहाँ पे यूज़ किया है क्योंकि ये बेटर वे है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्रेम बनाना है, अभी हमें क्या क्रिएट करना था, फ्रेम के अंदर एक बटन क्रिएट करना है, फ्रेम के अंदर यहाँ पे बटन क्रिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, फ्रेम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, AWT पैकेज के अंदर से हमने फ्रेम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, न्यू कीवर्ड के थ्रू उसको इंस्टेंशिएट किया है, एंड फिर उसके बाद हमने बटन क्लास को इन्वोक किया है AWT पैकेज के अंदर का, बटन क्लास का बी ऑब्जेक्ट बना लिया, बी इसको भी इंस्टेंशिएट कर दिया न्यू कीवर्ड के थ्रू, एंड बटन पे मुझे क्या लिखा हुआ चाहिए, क्लिक मी, तो यहाँ पे इस बटन पे मुझे क्लिक मी लिखा हुआ होना चाहिए। ओके तो यहाँ तक समझ में आया रहेगा, अभी तक हमने कुछ नहीं, इम्पोर्ट जावा पैकेज किया है, AWT पैकेज को इम्पोर्ट किया, क्लास बना लिया फर्स्ट AWT नाम का, फिर एक कंस्ट्रक्टर बना लिया, कंस्ट्रक्टर क्लास के नाम का सेम होता है, कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए क्लास के नाम की तरह सेम होता है। आगे बढ़ते हैं, दो हमने फ्रेम और बटन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। अब इस बटन को हमें कहाँ पे फ्रेम के अंदर प्लेस करना है, उसका पोजीशन सेट करने के लिए यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस से मुझे कितना पोजीशन चाहिए, वाई एक्सिस से मुझे कितना चाहिए, एंड क्या विड्थ चाहिए, क्या हाइट चाहिए, वो मैंने सारा यहाँ पर दे दिया है। सेट बाउंड्स करके इस मेथड को हमें कॉल करना पड़ेगा। अब ये मुझे किसको सेट करना है, बटन को सेट करना है, ये जो बटन मुझे क्रिएट करना है, इस बटन को मुझे अपने फ्रेम में कहाँ प्लेस्ड करना है, इसीलिए मुझे सेट बाउंड्स को कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने बी डॉट बटन के ऑब्जेक्ट से मैंने इस मेथड को कॉल किया, सेट बाउंड्स मेथड को। इसके अंदर मैंने चार पैरामीटर पास किए हैं, जिसमें एक्स एक्सिस पे मुझे 30 चाहिए, वाई एक्सिस पे मुझे 50 चाहिए, वेट 80 चाहिए, एंड हाइट 30 चाहिए यहाँ पर। अब आगे ये पोजीशन सेट करने के बाद मैंने यहाँ पर आगे हम देख लेंगे फ्रेम क्लास में। अभी ये बटन तो हो गया, बटन मैंने बना लिया, उसको कहाँ प्लेस करना है मैंने वो सारा यहाँ पे इस फंक्शन मेथड के अंदर डाल दिया पैरामीटर्स में। अब इस बटन को मुझे ऐड किधर करना है, फ्रेम के अंदर, इस बटन को फ्रेम के अंदर ऐड करना है। इसीलिए मुझे ये जो ऑब्जेक्ट हमने फ्रेम का बनाया है उसके अंदर ऐड मेथड को कॉल करके बी ऑब्जेक्ट को पास करना है, बटन के ऑब्जेक्ट को पास करना है। इससे क्या होगा, फ्रेम के अंदर बटन ऐड हो जाएगा, एडिंग बटन इनटू फ्रेम के लिए हमें ये करना है, फ्रेम क्लास के ऑब्जेक्ट को के थ्रू ऐड फंक्शन को कॉल करना है। पीछे हमने देखा था कि कोई भी कंपोनेंट अगर आपको फ्रेम में ऐड करना है तो उसके लिए आपको ऐड मेथड को कॉल करना है, ठीक है, और ऐड में हमने बी को पास किया। अब आप देख सकते हो कि मुझे फ्रेम कितने साइज का चाहिए, उसके लिए मुझे सेट साइज करना पड़ेगा, एफ डॉट सेट साइज मेथड को कॉल करना पड़ेगा। तो मुझे ये फ्रेम कितने साइज का चाहिए वो यहाँ पे पैरामीटर में डालना चाहिए कि एक्सिस से कितना और वाई एक्सिस से कितना चाहिए बड़ा फ्रेम। अब साइज मैंने डाल दिया यहाँ पे। अभी नेक्स्ट नेक्स्ट फंक्शन हमारा नेक्स्ट मेथड है एफ डॉट सेट लेआउट। यहाँ पे भी लेआउट मेथड को हम कॉल करेंगे, बट यहाँ पे सेट मुझे क्या करना है, नल, अभी तक क्योंकि हम कोई भी लेआउट इसको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। आगे नेक्स्ट एफ डॉट सेट विजिबल मेथड को कॉल किया है मैंने, और बाय डिफॉल्ट ये विजिबिलिटी ट्रू फॉल्स होती है, इसलिए हमेशा हमें यहाँ पे ट्रू करना इम्पॉर्टेंट है। अब ये ट्रू करना इम्पॉर्टेंट क्यों है, अगर हम इसे विजिबल नहीं करेंगे, फ्रेम को विजिबल नहीं करेंगे, तो प्रोग्राम रन तो होगा बट ये फ्रेम हमें दिखेगा नहीं, इसलिए हमें सेट विजिबल को एफ डॉट सेट विजिबल को ट्रू करना पड़ेगा कि जो भी हमारा आउटपुट रन होगा वो हमें फ्रेम करके आउटपुट में दिखे। ओके आगे बढ़ते हैं, इतना सब कंपोनेंट्स भी बटन कंपोनेंट को ऐड करने के लिए फ्रेम में हमें ये चार मेथड हमेशा लिखने हैं, जो इंपॉर्टेंट मेथड्स है, ऐड मेथड, सेट साइड मेथड, सेट लेआउट मेथड, सेट विजिबल मेथड। ओके आगे जब हमारा ये कंस्ट्रक्टर के अंदर मेथड रेडी हो गए, तो मेन फंक्शन के अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर हमने सिर्फ कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट बनाया fs, और फिर उसको
ऑब्जेक्ट बना के छोड़ दिया, तो ये अपने आप कंस्ट्रक्टर का कंस्ट्रक्टर अपने आप अपने अंदर के सारे फंक्शंस को कॉल कर लेता है। तो आप आउटपुट जब आप इस प्रोग्राम को कमांड लाइन पे कंपाइल करेंगे, पहले कैसे कमांड करते थे, पहले कंपाइल कर लेंगे जावा सी डॉट, फाइल का नाम क्या है, first awt.java, इस तरह से कंपाइल कर लेंगे। कंपाइल के लिए और रन करने के लिए हम क्या करेंगे, java.first awt, यहाँ पे डॉट जावा नहीं आएगा, तो रन करने के लिए java space first awt, इस तरह से हम यहाँ पे रन कर लेंगे। उसके बाद आपको कुछ इस तरह से आउटपुट मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा आउटपुट में एक फ्रेम आया है, ये मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग इस तरह का फ्रेम मुझे मिला है। यहाँ पे 3 buttons है, क्लोजिंग बटन, मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन, और जो बटन हमने एक्चुअल ऐड किया है उसका पोजीशन सेट किया हुआ है और उसके ऊपर जो भी हमने लेबल दिया हुआ है वो सब यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। ओके, हमने बटन पे क्या लेबल लिखा था, क्लिक मी, जो भी बटन का जो भी पोजीशन हमने सेट किया फ्रेम के ऊपर वो यहाँ पे पैरामीटर पास करने हैं। फिर जो भी साइज हमने फ्रेम की ली है वो उस साइज में हमें दिखाई दे रहा है। फ्रेम का जो व्यू है वो मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से फ्रेम कुछ अलग भी आ सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो एक मेथड तो हमने देख लिया कि AWT में फ्रेम क्लास को इंस्टेंशिएट करके हम कैसे बनाएंगे। GUI बेस्ड एप्लीकेशन का एक छोटा सा कंपोनेंट हमने देखा बटन का, अब यहाँ पे भी वही सेम प्रोग्राम देखेंगे बट विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस देखेंगे। इस एग्जांपल में हमें क्या करना है, लेट्स सी सिंपल एग्जांपल ऑफ AWT वेयर वी आर इनहेरिटिंग फ्रेम क्लास, हियर वी आर शोइंग बटन कंपोनेंट ऑन द फ्रेम। यहाँ पे सेम उसी तरह से जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में किया, पहले तो हमें इम्पोर्ट करना है java.awt पैकेज को। आगे हम देखेंगे कि हमने एक क्लास बनाया है, क्लास सेकेंड AWT, और उसमें हमने फ्रेम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था। यहाँ पर फ्रेम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था, f=newFrame, उसे इंस्टेंशिएट किया था न्यू कीवर्ड से। अब इस इनहेरिटेंस के टाइम हमने यहाँ पे एक्सटेंड किया है फ्रेम क्लास को, इसके लिए हमें वहाँ पे कोई भी न्यू कीवर्ड के थ्रू इंस्टेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है। हमने इस क्लास को AWT पैकेज के अंदर से फ्रेम क्लास को एक्सटेंड कर लिया। तो क्लास सेकेंड AWT एक्सटेंड फ्रेम। अब यहाँ पर सेकेंड AWT, यहाँ पर भी हम कंस्ट्रक्टर लेंगे हमारे क्लास के नाम के हिसाब से। इसमें भी मुझे कौन सा कंपोनेंट ऐड करना है, बटन कंपोनेंट ऐड करना है। तो बटन क्लास का बी ऑब्जेक्ट बना लिया यहाँ पे, फिर न्यू कीवर्ड के थ्रू बटन को इंस्टेंशिएट कर दिया। बटन पे मुझे क्लिक में लिखा हुआ आना चाहिए जैसा कि हमने लास्ट प्रोग्राम में भी देखा। फिर बी बटन का पोजीशन मुझे फ्रेम पे कौन सा चाहिए, उसके लिए मैंने चारों पैरामीटर पास कर दिए। देन ऐड, अभी यहाँ पर हमने जब एफ ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं फ्रेम का, तो एफ डॉट ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमने ऑलरेडी फ्रेम क्लास को एक्सटेंड कर चुके हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम ऐड को कॉल करेंगे और बी पास कर देंगे उसके अंदर बी पास कर देंगे। अब सेट साइज करना है हमें, बटन का साइज, फ्रेम का साइज क्या होगा वो, सॉरी फ्रेम का जो भी साइज है वो हमने यहाँ पे सेट कर दिया 300 पिक्सल्स। फिर सेट लेआउट करना है, यहाँ पे भी सेट लेआउट में नल होना चाहिए, सेट लेआउट नल। सेट विजिबल, यहाँ पे हमें हमेशा की तरह ट्रू करना है, बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स रहता है। अब उसके बाद मुझे मेन फंक्शन में जो हमारा क्लास है सेकेंड AWT, उसका बस ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, इंस्टेंशिएट कर देना उसको, वो बाय अपने आप अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर के मेथड्स को कॉल कर लेगा। ओके, आगे आपको आउटपुट दिखेगा। आउटपुट में आपको सेम आउटपुट आ रहा है क्योंकि हमने वही किया है बट हमारा मेथड दूसरा था। हमने यहाँ पे इनहेरिटेंस के थ्रू किया है और पहले वाले एग्जांपल में हमने इंस्टेंशिएट किया था। आगे बढ़ते हैं हम, AWT एग्जांपल बाय इंस्टेंशिएशन, ये भी एक प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम भी देख लेते हैं। इसमें हमने क्या किया,
ये भी इंस्टेंशिएशन मेथड के थ्रू है, मतलब हमें फ्रेम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा न्यू कीवर्ड के थ्रू. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो इस एग्जांपल में इंपोर्ट जावा डॉट ए डब्ल्यू टी, ये पैकेज इंपोर्ट किया है मैंने, और इस क्लास क्लास का नाम क्या है, टेस्ट ए डब्ल्यू टी. टेस्ट ए डब्ल्यू टी ये हमारा कंस्ट्रक्टर बना लिया मैंने, और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर इंस्टेंशिएट करना है किसको, फ्रेम क्लास को. फ्रेम क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया न्यू कीवर्ड के थ्रू. फिर आगे मुझे इसमें हम लोग कौन सा कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं, लेबल कंपोनेंट. तो लेबल कंपोनेंट यूज़ कर रहा है, तो फ्रेम पे क्या आ जाएगा, कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ मिलेगा हमें. तो लेबल का ऑब्जेक्ट बना लिया एल बी करके न्यू कीवर्ड के थ्रू. यहाँ पे मुझे लेबल क्या आना चाहिए, वेलकम टू जावा ग्राफिक्स. ओके, फिर उसमें हम क्या कर रहे थे, बी डॉट सेट बाउंड कर रहे थे कि बटन कहाँ पे चाहिए, कौन से पोजिशन पे. यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि लेबल कहाँ पे चाहिए. तो ये चार पैरामीटर हम वापस पास कर देंगे कि मुझे पूरे फ्रेम में कहाँ पर मुझे मेरा लेबल चाहिए. उसके लिए आगे बढ़ते हैं हम. यहाँ पे हम एक बार लेबल का पोजीशन सेट करने के बाद हमें उस लेबल को कहाँ ऐड करना है, अपने फ्रेम में ऐड करना है. तो फ्रेम में ऐड करना है, तो फ्रेम का ऑब्जेक्ट क्या बना लिया हमने, एफ एम. एफ एम डॉट ऐड किया लेबल को. फिर उसके बाद नेक्स्ट सेट साइज कर दिया फ्रेम का, मुझे साइज क्या चाहिए, 300 300 चाहिए दोनों जगह से, दोनों साइड से. फिर फ्रेम डॉट सेट विजिबल मैंने ट्रू किया हमेशा की तरह. तो ये तीन चार चीज़ें हमेशा करनी पड़ेगी फ्रेम के अंदर. अगर कोई भी कंपोनेंट हम डाल रहे हैं तो फ्रेम का साइज इंपॉर्टेंट है कि कितना होना चाहिए, फ्रेम को विजिबल करना पड़ेगा, जो भी कंपोनेंट हम यूज कर रहे हैं तो उसे हमें ऐड करना पड़ेगा. ओके, आगे हम देख सकते हैं कि मेन फंक्शन के अंदर मैंने इस कंस्ट्रक्टर का खाली ऑब्जेक्ट क्रिएट करके छोड़ दिया है, वो अपने आप कॉल कर लेगा सारे फंक्शंस को और हमारा आउटपुट आ जाएगा. तो आउटपुट में हम देख सकते हैं कि मैंने एक फ्रेम बनाया हुआ है और उसके अंदर ये लेबल लिख के आ गया, जो भी साइज हमने सेट किए उसके हिसाब से आ गया. आगे बढ़ते हैं इनहेरिटेंस के साथ, एक और एग्जांपल देख लेते हैं. इंपोर्ट किया सबसे पहले जावा डॉट ए डब्ल्यू टी पैकेज के अंदर के सारे क्लासेस को डॉट स्टार के थ्रू. क्लास सिंपल फ्रेम एक्सटेंड्स फ्रेम क्लास. अब ये वापस इनहेरिटेंस के थ्रू है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ए डब्ल्यू टी पैकेज के अंदर के फ्रेम क्लास को एक्सटेंड करना पड़ेगा. इसमें मैं क्या करूँगी, इसलिए हमें फ्रेम क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा, यही इसका इम्पोर्टेंट है. सिंपल फ्रेम के अंदर सेट लेआउट मेथड को मुझे नल करना है. सेट साइज मुझे फ्रेम का क्या चाहिए, 500 500. सेट विजिबल हमेशा ट्रू करना है. सेट टाइटल, अब एक और चीज़ मैंने यहाँ पर ऐड किया है फ्रेम के अंदर, आप देख सकते हो यहाँ पे आउटपुट के अंदर, यहाँ पे मैंने टाइटल दिया है हेलो करके. ये टाइटल के लिए मुझे क्या, कौन सा मेथड को कॉल करना पड़ेगा, सेट टाइटल. यहाँ पे मैं कोई एफ डॉट सेट लेआउट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं है. पिछले एग्जांपल में भी हमने देखा था सेट लेआउट, सेट साइज, सेट विजिबल, सेट टाइटल. यहाँ पे हमने ऐड फंक्शन को कॉल नहीं किया, ऐड मेथड को कॉल नहीं किया क्योंकि हमने कोई भी कंपोनेंट अभी तक नहीं लिया. यहाँ पे हम कुछ अलग वे से कंपोनेंट ऐड करने वाले हैं. यहाँ पे कोई कंपोनेंट ऐड नहीं करेंगे हम, ग्राफिक्स के ऑब्जेक्ट के थ्रू वहाँ पे लेबल डालने वाले. तो जो इंपॉर्टेंट मेथड्स है वो हमने ऐड कर लिए हैं, सेट ले कॉल कर लिए हैं, सेट लेआउट, सेट साइज, सेट विजिबल, सेट टाइटल. ओके, आगे हमने एक अलग से मेथड बनाया है, पब्लिक वॉइड पेंट मेथड. पेंट मेथड के थ्रू भी हमें जो भी ड्रॉ करना है स्ट्रिंग, जो भी पेंट मेथड है तो ऑब्वियसली ड्रॉ करना पड़ेगा स्ट्रिंग को. तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक पेंट करके अपने मेथड का नाम पेंट ले लिया है, उसके अंदर ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट पास किया. ये ग्राफिक्स का जी हमेशा कैपिटल रहेगा, ग्राफिक्स क्लास के ऑब्जेक्ट जी बना लिया है, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने किसको कॉल किया, ग्राफिक्स क्लास के अंदर ड्रॉ स्ट्रिंग को कॉल किया. जी ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने ग्राफिक्स क्लास के अंदर के ड्रॉ स्ट्रिंग मेथड को कॉल किया है. यहाँ पर मुझे स्ट्रिंग क्या ड्रॉ करना है, हाउ आर यू, कौन से मुझे पोजीशन क्या देना है उस स्ट्रिंग का, तो वो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया 150. फिर यहाँ पे अगर आप देख सकते हो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन में, हाँ ये हमारा हो गया. यहाँ पे मुझे खाली लेआउट, साइज, विजिबल, टाइटल यही सब डाला था, और हमने ऐड इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने कोई कंपोनेंट यहाँ पे लिया ही नहीं है. हमने कुछ अलग वे से यहाँ पे कंपोनेंट ऐड कर रहे हैं, कंपोनेंट नहीं है एक्चुअली, वो ग्राफिक्स के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम यहाँ पे स्ट्रिंग ड्रॉ कर रहे हैं, स्ट्रिंग लिख रहे हैं, एक लेबल लिख रहे हैं. तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर जब मैंने अपने कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट बनाया वो अपने आप कॉल हो जाएगा और आपका आउटपुट कुछ इस तरह से दिख रहा है. सेट टाइटल की वजह से यहाँ पे हेलो दिख रहा है और वो स्ट्रिंग ड्रॉ हो गया,
ग्राफिक्स क्लास के ड्रॉ स्ट्रिंग मेथड के थ्रू। ओके आगे बढ़ते हैं। तो हमारा फ्रेम क्लास में हम दो तरीके से, किस तरह से हम फ्रेम में कंपोनेंट ऐड कर सकते थे या ड्रॉ कर सकते थे, वो हो चुका है। आगे बढ़ते हैं पैनल क्लास में कि AWT के थ्रू हम पैनल क्लास को एक्सेस कैसे करेंगे, पैनल कैसे बनाएंगे। तो कुछ मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं। द पैनल इज द सिंपलेस्ट कंटेनर क्लास। ये सबसे सिंपलेस्ट कंटेनर क्लास है। ये भी एक तरह का कंटेनर इसलिए हुआ कि अगर मुझे अपने फ्रेम में फ्रेम के अंदर अगर मुझे कोई स्पेस चाहिए, तो फ्रेम ऑलरेडी एक कंटेनर है, उसके अंदर अगर मैंने पैनल बना दिया तो वो भी एक कंटेनर की तरह ही काम करता है। अब इस पैनल के ऊपर मुझे क्या चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, बटन्स चाहिए, तो मैं बटन्स बना सकती हूँ, बटन्स ऐड कर सकती हूँ। इसलिए यहाँ पे बोला गया है द पैनल इज द सिंपलेस्ट कंटेनर क्लास। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट प्रोवाइड स्पेस इन विच एन एप्लीकेशन कैन अटैच एनी अदर कंपोनेंट। ये वही स्पेस प्रोवाइड करता है जिसमें हम कोई अदर कंपोनेंट्स को ऐड कर सकते हैं। इट इनहेरिट्स द कंटेनर क्लास। ये किसको इनहेरिट करता है, कंटेनर क्लास को। आपने देखा था हायरार्की में, AWT के हायरार्की में। इट डजंट हैव टाइटल बार। पैनल के अंदर कोई टाइटल बार वगैरह नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, पैनल के एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं हम यहाँ पे। कोडिंग करते वक्त हमें सबसे पहले वही करना है, AWT के पैकेज को इंपोर्ट करना है, उसके अंदर के सारे क्लासेस को इंपोर्ट करना है। पब्लिक क्लास सिंपल पैनल। यहाँ पे मैंने फ्रेम को एक्सटेंड किया, मतलब मैं कौन सा वे यूज़ कर रही हूँ, इनहेरिटेंस का वे यूज़ कर रही हूँ। मैंने सिंपल पैनल नाम का क्लास बना लिया यहाँ पे एक, और उसमें मैंने फ्रेम क्लास को एक्सटेंड किया है। सिंपल पैनल कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने फ्रेम क्लास का, हाँ यहाँ पर मैंने फ्रेम को एक्सटेंड किया है, और पर से मुझे पैनल एग्जाम्पल चाहिए ना, तो यहाँ पर मैंने फ्रेम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, न्यू फ्रेम करके मैंने यहाँ पर उसमें टाइटल दे दिया पैनल एग्जाम्पल। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि पैनल एग्जाम्पल करके यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है आपको टाइटल में, तो फ्रेम के ऊपर जो टाइटल मुझे देना था वो मैंने यहाँ पर पास कर दिया है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये चीज़ ऐड की है। पैनल का एक ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया है, पैनल क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट पैनल बना लिया है, स्मॉल पी है, यहाँ पर ध्यान देना, इज इक्वल टू न्यू पैनल से मैंने पैनल का ऑब्जेक्ट बना लिया। फिर जैसे बटन में हम सेट बाउंड्स करते थे, वैसे यहाँ पे पैनल के लिए भी मुझे सेट बाउंड्स करना है। जो चार पैरामीटर इंपॉर्टेंट है, जो साइज के लिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, फिर हाइट वेट, जो भी इंपॉर्टेंट है वो मुझे जो जितना चाहिए वो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो यहाँ पर। फिर पैनल डॉट सेट बैकग्राउंड। अब मुझे पैनल का, वो जो स्पेस मैं क्रिएट करने वाली हूँ यहाँ पे फ्रेम के अंदर, उसका कलर कौन सा होना चाहिए, उसके लिए मुझे कलर डॉट, जो भी आपको कलर चाहिए वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो मुझे यहाँ पर कलर कौन सा चाहिए, ग्रे कलर चाहिए। फिर मैंने जब, अगर यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बना ही लिया है इसका, तो मैंने ऑब्जेक्ट के थ्रू ऐड फंक्शन को कॉल कर दिया, एफ डॉट ऐड फंक्शन। पैनल पास किया, मैंने पैनल ऑब्जेक्ट बना लिया है तो ऑब्जेक्ट पास कर दिया, मतलब मैं फ्रेम के अंदर क्या ऐड कर रही हूँ, फ्रेम के अंदर मैं क्या ऐड कर रही हूँ, पैनल ऐड कर रही हूँ। फ्रेम के अंदर मैं क्या ऐड कर रही हूँ, पैनल ऐड कर रही हूँ यहाँ पर। फिर से मैंने एफ डॉट सेट साइज कर लिया, फ्रेम का जो भी साइज मुझे चाहिए वो मैंने यहाँ पर पास कर दिया। सेट लेआउट मुझे वापस नल ही रखना है, सेट विजिबल मुझे ट्रू कर देना है हमेशा की तरह। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में इनके अंदर मैंने सिंपल पैनल करके जो क्लास बनाया था उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके छोड़ देना है। जो भी अंदर मैंने जो भी कंस्ट्रक्टर के अंदर किया है वो अपने आप, कंस्ट्रक्टर क्लास के अंदर जो भी मैंने किया वो अपने आप कॉल हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर मेथड के अंदर, सॉरी। आगे बढ़ते हैं, आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने पैनल एग्जाम्पल करके लेबल डाला था टाइटल में, वो यहाँ पर आ गया। मुझे पैनल का कलर कौन सा चाहिए था फ्रेम के अंदर, ग्रे कलर चाहिए था। तो ये देख रहा है आपको कि फ्रेम है, फ्रेम के अंदर एक पैनल, एक अलग से स्पेस तैयार हो गया ग्रे कलर में। अब मैं चाहूँ तो इसके अंदर कोई भी कंपोनेंट ऐड कर सकती हूँ। अगले एग्जाम्पल में हम वो देखेंगे कि पैनल के अंदर मैंने कुछ कंपोनेंट ऐड किए हैं, इस कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। फ्रेम है, फ्रेम के अंदर एक पैनल क्रिएट कर लिया है,
उसके अंदर दो बटन ऐड कर दिए, दो बटन कंपोनेंट। तो उसका कोडिंग हम देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले पैकेज इंपोर्ट करना है AWT पैकेज के सारे क्लासेस को। देन उसके बाद पब्लिक क्लास पैनल एग्जांपल मैंने बना लिया। पैनल एग्जांपल क्लास के अंदर मैंने एक मेथड बनाया है, कंस्ट्रक्टर वापस बना लिया। पैनल एग्जांपल क्लास का नाम और मेथड का नाम सेम है, कंस्ट्रक्टर है। आगे फ्रेम, अब मुझे फ्रेम चाहिए तो फ्रेम के लिए मैंने एफ, हमेशा की तरह जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं फ्रेम का एफ ऑब्जेक्ट बना लिया, और उसके ऊपर पैनल एग्जांपल लिखकर आना चाहिए टाइटल में, इसलिए मैंने वहाँ पर पैनल एग्जांपल लिख दिया है, इसलिए यहाँ पर पैनल एग्जांपल है। पैनल का ऑब्जेक्ट मैंने पैनल ही बनाया है, पी खाली यहाँ पर कैपिटल है क्योंकि ये क्लास नेम है, और यहाँ पर पी स्मॉल है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। अगला, मुझे ये पैनल को कहाँ पे सेट करना है, उसको सेट करने के लिए, उसका पोजीशन सेट करने के लिए मुझे कौन से मेथड को कॉल करना है, सेट बाउंस मेथड को कॉल करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेट बाउंस में चार पैरामीटर्स होते हैं, वो चारों पैरामीटर आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, जो भी उसका एक्स एक्सिस पे कितना होगा साइज, वाई एक्सिस पे कितना होगा, हाइट क्या होगी, विड्थ क्या होगी, वो आप सेट कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगला मेथड मैंने क्या किया, पैनल कलर, पैनल का कलर मुझे ग्रे ही चाहिए, मैंने ग्रे रखा है यहाँ पर, कि सेट बैकग्राउंड करके मेथड को कॉल किया और उसके अंदर कलर डॉट ग्रे पास किया। आगे हम, मुझे उस पैनल के ऊपर कंपोनेंट कौन सा चाहिए, बटन चाहिए, तो बटन कंपोनेंट बटन क्लास को ऐड करना है, तो उसका ऑब्जेक्ट बना लिया न्यू कीवर्ड के थ्रू, और बटन के ऊपर लिख के आना चाहिए बटन वन। अब इस बटन वन का बी वन ऑब्जेक्ट मैंने जो बनाया है उसका पोजिशन सेट करना है मुझे, वो पोजीशन मैंने सेट कर लिया है, सेट बाउंड्स में चार पैरामीटर थे, वो चारों पैरामीटर मैंने यहाँ पर दे दिया है। फिर सेट बैकग्राउंड कलर, अभी मैं अपने बटन को भी बैकग्राउंड कलर दे सकती हूँ, तो मैंने अपने बटन के ऊपर येलो कलर दे दिया, तो कलर डॉट येलो कौन से, फर्स्ट बटन के ऊपर। फिर मुझे एक बटन टू भी चाहिए, तो मैंने एक बटन टू बना लिया, फिर से एक बटन क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया जिसका ऑब्जेक्ट का नाम है बी टू, बी टू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, और उसमें मैंने मैसेज दिया है बटन टू। अब उस बी टू से वापस मुझे सेट बाउंड्स कर लेना है, उस बटन उसका पोजीशन सेट कर लेना है उस बटन का। देन उसके बाद उस सेट बैकग्राउंड से मुझे उस बटन टू का कलर कर देना है, कौन सा कलर मुझे चाहिए वो मैं ले सकती हूँ, कलर डॉट ग्रीन ले लिया, एक का येलो और दूसरे बटन का ग्रीन कलर ले लिया। मैंने दोनों बटन कंपोनेंट ऐड करने पड़ेंगे, कहाँ पर, पैनल के अंदर ऐड करने हैं, तो पैनल के ऑब्जेक्ट में पैनल डॉट पैनल के ऑब्जेक्ट के थ्रू मुझे ऐड फंक्शन को कॉल करना है और उसमें बी वन पास करना है, और फिर से मुझे पैनल ऑब्जेक्ट के थ्रू ऐड फंक्शन को कॉल करना है और बी टू ऐड करना है उसमें, मतलब मुझे पैनल में दोनों बटन को ऐड करना है, तो मुझे दो बार ऐड फंक्शन लगा यहाँ पर। फिर से उस पैनल को मुझे कहाँ पर ऐड करना है, फ्रेम के अंदर ऐड करना है, इसलिए मैंने फ्रेम के ऑब्जेक्ट के थ्रू ऐड फंक्शन को कॉल किया और मैंने उस पैनल को उसमें पास किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेम के अंदर मैंने पैनल ऐड कर दिया, और पैनल के पास ऑलरेडी क्या थे, बटन वन और बटन टू थे। यहाँ पर फ्रेम का ऑब्जेक्ट एफ है, एफ डॉट सेट साइज से मैंने फ्रेम का साइज कर दिया, कितना हाइट और विड्थ चाहिए मुझे फ्रेम का, वो मैंने यहाँ पर पास कर दिया है 400 400। यहाँ पर आप देख सकते हो हमेशा की तरह सेट लेआउट, जो कि हमें फिलहाल नहीं यूज करना है, तो यहाँ पर मुझे नल पास करना है सेट लेआउट में। यहाँ पर सेट विजिबल हमेशा की तरह ट्रू रखना है। तो ये तीन चार कंपोनेंट आपको हमेशा याद रखना है, जो भी आप कंपोनेंट ऐड कर रहे हो उसका साइज क्या होगा, उसका लेआउट, उसकी विजिबिलिटी, उसमें ऐड फंक्शन का भी यूज करना है, ये सारे चार मेथड आपको हमेशा याद रखने हैं। फिर आगे ही हमारा पूरा मेथड कंप्लीट हो गया पैनल क्लास के अंदर का। अब मेन फंक्शन में मुझे पैनल एग्जाम्पल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देना है, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद जैसे ही आप प्रोग्राम रन करोगे तो आपको कुछ इस तरह का आउटपुट आ जाएगा। फ्रेम के अंदर आपको एक पैनल मिलेगा, पैनल के अंदर दो बटन आ जाएंगे। सो आई होप आपको समझा होगा ये सब। सो थैंक यू।